नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अल्टीमेट रिव्यूअर। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि हमें मिलता है शाओमी की तरफ से। जी हाँ, यह है एमआई का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि है 16 वाट का और वाटर असिस्टेंट है। तो ये जो है 16 वाट का हमें मिल जाता है, TWS का फीचर इसमें मिल जाता है, इक्वलाइजर का फीचर इसमें मिल जाता है, 13 hour का म्यूजिक प्लेबैक टाइम इसमें मिल जाता है और IPX7 की रेटिंग जो कि इसको वाटरप्रूफ बनाती है और वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है। तो पीछे की तरफ इस बॉक्स में देख लीजिए, हमारे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 16 वॉट, प्रोडक्ट नेम जो है ब्लूटूथ स्पीकर है और प्रोडक्ट का जो मॉडल है MDZ36DB है। एक यूनिट है इसमें मिलता है ब्लूटूथ स्पीकर, यूजर मैनुअल, USB टाइप सी केबल और जो MRP इसका 3499 है और मैन्युफैक्चर्ड जो है ये चाइना से बना हुआ है। ब्लू कलर में हमने ये ऑर्डर किया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना और July 2021 का ये मैन्युफैक्चर है और इम्पोर्ट भी उसी टाइम पे हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है TWS का फीचर मिल जाता है इसमें, यानी कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो। अगर हमारे पास दो एक जैसे स्पीकर होंगे तो हम इसको TWS की तरह यूज कर सकते हैं, स्टीरियो स्पीकर बना सकते हैं। तो पैकेज में आपको ये मिल जाता है, एक तो ब्लूटूथ स्पीकर और एक डेटा केबल जो कि इसका चार्जिंग केबल है और एक मैनुअल। तो ब्यूल्टिन माइक्रोफोन को भी सपोर्ट करता है। तो बॉक्स के चारों तरफ कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। तो इधर से कुछ इस तरह का बॉक्स है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो एक बॉक्स ये मिलता है हमें इसमें, जिसके अंदर मिलेगी हमें यूज़र मैनुअल और जो चार्जिंग केबल है वो अंदर में मिलता है हमें, ये ब्लूटूथ स्पीकर और बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये है ब्लूटूथ स्पीकर जो कि हमें मिलता है MI की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI की ब्रांडिंग इसमें देखने के लिए मिल जाती है, पावर का ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, म्यूजिक वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप, प्ले एंड पॉज का बटन, ब्लूटूथ और ये जो TWS के साथ अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरफ से हमें ब्लू कलर में ये दिख रहा है, यहाँ पर ब्लूटूथ लिखा है, एंटेल का लोगो दिया हुआ है और IPX7 की रेटिंग इसमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर पूरा यही लिखा है कि MI पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस साइड पे हमें मिल जाता है, दूसरे साइड पे जो ऑक्स केबल है वो अटैच करने के फंक्शन में इसमें मिल जाता है और इसमें चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है। तो इसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक USB टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है और एक ऑक्स केबल के लिए पोर्ट मिलता है और इस तरफ पे हमारा ये जो सीरियल नंबर है वो देखने के लिए मिल जाता है इस तरफ। तो ये जो है रबर का है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वाटरप्रूफ केसिंग के साथ आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो नीचे की तरफ पे एक पैड मिल जाता है जो कि एंटी स्किड पैड है, तो ये आपको किसी भी सरफेस में इसको ऐसे ही स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो ये भी रबराइज मटीरियल है ये जो इसके एंटी स्किड पैड है और ये जो बाहर का मटीरियल है वो है एक क्लोथ का यूज़ किया गया है और जो ये क्लोथ है ये नायलॉन मटेरियल का बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है और एक इसको कैरी करने के लिए हमें मिल जाता है, ये हैंग करने के लिए ये स्ट्रैप मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो पावर ऑन, तो अभी पावर ऑन हो चुका है। तो अभी फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कैसा इसमें साउंड आउटपुट आता है। तो MI पोर्टेबल ब्लूटूथ 16 वॉट मेरे फ़ोन में आ गया है, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इसमें म्यूजिक आपको सुना देता हूँ, कैसा आउटपुट मिलता है आपको। तो अभी लो पे है, अभी मैं 1 प्रेस करता हूँ तो साउंड आउटपुट कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप करता हूँ तो ये तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है और मिनिमम अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मिनिमम पे ये प्रेस नहीं होता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, कि 0 पे पहुँच जाता है। तो देखते हैं इसमें कितना बार प्रेस करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम शो करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो 15 के बाद ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे आ जाता है। तो उसको अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो मेरा म्यूजिक भी फ़ोन से प्ले हो जाएगा। तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये मैक्सिमम लेवल की साउंड है, मैक्सिमम ये इतनी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखता हूँ तो मैं अपने साउंड वेव जो उससे निकल रही है उनको फील कर सकता हूँ अपने हाथ पे।
आपने देखा कि कुछ इस तरह का साउंड आउटपुट हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है, इसमें एफएम नहीं मिलता है, इसमें हम यूएसबी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं एंड ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ एंड ऑक्स के अलावा इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं होता, ना ही इसमें एफएम का फंक्शन मिलता है, ना ही आप इसमें यूएसबी या फिर माइक्रो यूएसबी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। तो बट बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और लुक भी काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग अगर देखें तो ये मिलता है आपको 2500 रुपये में, तो 2500 रुपये में अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एमआई का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब इसमें फंक्शन इसमें देखने के लिए मिले। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवाल को जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।